बहुत बहुत धन्यवाद तारा बाबू, बॉम्बे आए तो जरूर मिलिएगा। और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, समझे भाई साहब? आप भी। वेरी नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा अच्छा जी। मंदिर है ना? हाँ। कहते हैं वहां जाओ और ईश्वर से जो कुछ मांगो तो वो उसे मिलता है। चलोगे? मैं मंदिर नहीं जाता। क्या? हाँ, मैं मंदिर कभी गया ही नहीं। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। मैं समझी नहीं। जब मैं 11 साल का था, मेरी माँ चल बसी। वो हमेशा मुझे एक बात समझाया करती थी कि मानव ईश्वर इंसान के दिल में बसता है, यहाँ उसके अंदर स्वयं में रहता है। आखिर ईश्वर है क्या? विश्वास है, सच्चाई है। हर इंसान अपने अपने रूप में उसको देखता है, कोई किताब में, कोई मूरत में, कोई रोशनी की लौ में। मैं ईश्वर को खुद में देखता हूँ बस। और तुम्हारा प्यार भी मुझ पर एक विश्वास ही तो है। हाँ, एक विश्वास ही तो है। और इसी विश्वास को याद रखने के लिए मैं ऊपर वाले मंदिर की दुकान से कुछ खरीद के लेके आया हूँ। देखोगी? सस्ता है, पत्थरों का है, लेकिन सच्चाई इसमें 100% है। पहन के दिखाओ। अपने बाबा से बहुत प्यार करती हो ना? ठहरो बाबा, इससे पहले कि आप कुछ कहें या मुझे गलत समझे, मैं आपको सब बात बता देना चाहती हूँ। यह हार मुझे मानव ने दिया है। क्यों दिया है? क्यों दिया है? क्योंकि मुझे बहुत प्यार करता है बाबा। और तू? तेरी खोपड़ी सही है? मालूम है कौन है वो? बहुत बहुत ऊंचे लोग हैं वो, उनका हमारा कोई तालमेल नहीं है। पर मेरी ताल मानव से है बाबा, उन ऊंचे लोगों से नहीं है। ना ना ना, नामुमकिन है, ये असंभव है, ये असंभव है। हेलो। हेलो, मैं मानव, बॉम्बे से। बाबा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है शन्नो? सिचुएशन टेंस है? बाबा, मानसी। ओ, यानी बाबा को पता चल गया है। ठीक है, बाबा को फोन दो। बाबा, मानव का फोन आपके लिए। हेलो। आई एम सॉरी बाबा, चलने से पहले आपको मिल नहीं सका, कुछ बात करनी थी, कर ना सका। चलो अच्छा हुआ, आपको तो पता चल ही गया कि मैं आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो तुम। हाँ तो बाबा, मैं कह रहा था कि जाते वक्त मैंने जो आपकी मानसी से वादा किया है वो पक्का ही किया है, मैं मानसी से ही शादी करूँगा। ये मेरी कमिटमेंट है और इसे पूरा करूँगा। जानता हूँ पिता होने के नाते आप चिंता कर रहे होंगे, मानसी को गुस्सा कर रहे होंगे,
मैं होता तो शायद यही करता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर दिल में हो तो सच्चाई मजबूत रहती है। मानव, डोंट वरी मानसी, सब ठीक हो जाएगा। अंकल आर्टिस्ट है ना, और एक आर्टिस्ट से ज्यादा प्रेम को कौन समझ सकता है। हा? देखो मानव, तो मुझे बाद में फोन कर लेना प्लीज। मानव, अरे कहाँ थे तुम? मैं कब से पुकार रही हूँ, मानव मानव, जवाब ही नहीं दे रहे। मानव की लव स्टोरी में एक और ट्विस्ट आ गया है नानी। मानसी के बाबा को पता चल गया है कि मानसी मेरे प्यार में है, यानी हम दोनों प्यार में हैं। प्यार व्यार की बातें छोड़ो और ये तस्वीर देखो, ये लड़की दीपमोहन और शकुनत तुम्हारे लिए चुनी है। लेकिन मैंने उसके बाबा से साफ कह दिया, आई एम कमिटेड, मैंने वादा किया है मैं निभाऊंगा। लेकिन जगमोहन ने तुम्हारे लिए कुछ और ही फैसला किया है। कुडेसिया खानदान की ये लड़की है निशिता, लड़की तो हमें भी बहुत पसंद है, दर्जा है लड़की का। नानी दिस इज नॉट फेयर, मेरी कहानी सुनने के बाद भी आपको कोई सिंपथी नहीं? इन सब का पैकअप हो चुका है। सिंपथी तब होगी जब तुम मेरी बात मानोगे। ओके ओके ओके, तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी होगी जो हमें पसंद है। नहीं 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 नानी, ये ठीक नहीं है, आप मुझे एक नई क्लाइमेक्स में फंसा रही हैं। यहाँ इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, ऊपर से ये नया ड्रामा। नानी, आई लव हर टू मच, यू नो हाउ मच आई लव हर, और आप मेरी नानी है, आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा ना, ये ठीक नहीं है। पहले तस्वीर तो देख लो। तुम यहाँ? भाई साहब, बच्चियाँ परेशान है कि आप गए कहाँ? प्रभा को फोन करने गया था। बम्बई? बम्बई, एक ही तो है अपनी वहाँ, प्रभा बहन बम्बई में। हाँ, क्या सलाह दी उसने? क्या सलाह देगी वो? उसने कहा कि मानसी को लेकर बम्बई आ जा, वो खुद बात करेगी उससे, फिर मसले का हल बताएगी। उसने ये भी कहा कि जग्गी भाई साहब को इतला मत करना, सीधे चले आना। परेशान हूं मैं तो। तो अब आप बम्बई जाएंगे क्या भाई साहब? यहां तो अब एक रात भी नहीं गुजार सकता मैं, बम्बई तो जाना ही होगा।